हेलो बच्चों, मैं विनीता तिवारी आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए केमिस्ट्री इजी बनाने के लिए आ गई हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन मैं करवाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी फास्ट ट्रैक में, तो आज मैं इसी सीरीज में आ गई हूँ फर्स्ट चैप्टर लेकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट रिड्यूस पोर्शन के साथ हमें पढ़ना है। इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे बच्चों थ्री सेक्शन में। ऑलरेडी डिवाइडेड होता है ये थ्री सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन होता है बच्चों इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। सेकेंड सेक्शन होता है बच्चों इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। एंड थर्ड सेक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जिसमें हमें डिस्कस करना है बच्चों फैराडेज लॉ के बारे में। तो थोड़ा सा बच्चों पहले इसके बारे में आप समझ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है क्या, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, ठीक है, फिर हम आएंगे फैराडेज लॉ पे। बच्चों हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और बहुत जल्दी जल्दी ये चैप्टर हमें कवर करना है। तो उन बेसिक चीजों को लेकर के चलेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे जिससे आपका बोर्ड बहुत ही अच्छे से हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहले थोड़ी चीजें कुछ चीजें ऐसे समझ लो कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, क्या डील करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें डील करते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो ये पोर्शन बच्चों हम लोग सेल के पोर्शन में डिस्कस करेंगे जो कि आगे है। उससे पहले और बेसिक चीज आप समझ लो थोड़ी सी कि कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती, तो मैं वहां से स्टार्ट करूं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कंडक्टेंस क्या होता है, किस चीज की जरूरत है इसके लिए। तो देखो बच्चों कंडक्टर्स होते हैं एंड इंसुलेटर्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको कहते हैं कंडक्टर्स, और जो कंडक्ट नहीं करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिनसे नहीं होता है वो होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन से सब्सटेंस करेंगे, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो पहले आप समझो। तो देखो बच्चों कंडक्शन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है यहां पे बच्चों, पहले तो देख लो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, या फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए इनमें से किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है। क्या चाहिए होगा इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं मेटल में, राइट, और फ्री आयंस हमें कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। सो मेटल तो आप जानते ही हो, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है, ठीक है। मेटल मेटल मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनता ही एक मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है, उस इलेक्ट्रॉन को दूसरा मेटल लेता है, तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट। सेकेंड पार्ट अगर इसमें देखें फ्री आयंस, फ्री आयंस हमें कहाँ मिलते हैं बच्चों, फ्री आयंस मिलते हैं हमें इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनको फ्यूज्ड करो तो फ्री आयंस देते हैं, ठीक है। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जो फ्री आयंस देते हैं, इसमें आपका आ सकता है एसिड आ सकता है, बेस आ सकता है, सॉल्ट आ सकता है, जिस जो फ्यूज्ड फॉर्म में फ्री आयंस देते हैं। लाइक एग्जांपल देखो, जैसे NaCl अगर आप लेते हो, NaCl, ठीक है, NaCl अगर आप सॉलिड फॉर्म में लेते हो तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आयंस जो हैं वो फ्री नहीं हैं। फ्यूज्ड फॉर्म में ले तो फ्यूज्ड फॉर्म लेने के दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो आप इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, राइट, या इसका मॉल्टन फॉर्म ले लो, इसे मेल्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपको देते हैं फ्री आयंस, ये देखो आयंस फ्री हो गए, ठीक है। तो बच्चों अगर यहां पे देखते हैं सॉलिड फॉर्म में तो इसके आयंस फ्री नहीं थे, ये बैड कंडक्टर्स हैं, और यहां पे इसके आयंस फ्री हैं तो ये गुड कंडक्टर्स हैं, राइट,
ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा प्रोसेस ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों फर्स्ट पोर्शन पे। यहाँ पे पहले आप एक चीज और देख लो, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस देख लो, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, कभी डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो मेटल के थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू जो कंडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोलते हैं। क्या बेसिक डिफरेंस होता है इनके बीच में, एक तो आपको यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन होगा, इसमें फ्री आयंस के थ्रू कंडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बट मेटल में मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में मैटर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर के डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो मेटालिक कंडक्शन होता है उसमें बच्चों कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा होता है। ठीक है, केमिकली ये चेंज नहीं होते हैं। मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, अगर आपको कभी करंट लगा होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा इसका, है ना, कि करंट पास होता है बट जिस मेटल के थ्रू आपके पास करंट पास होता है उस मेटल में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है। आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर चेंज जरूर आ जाता है करंट लगने के बाद। तो मेटल में कोई मेटालिक कंडक्शन में कोई केमिकली चेंज नहीं आता है, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में केमिकली चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर के। जैसे सोडियम है तो सोडियम अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाकर के इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम मेटल बना देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये क्लोरीन गैस बना देगा। तो बच्चों ये केमिकली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है वो होता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है बच्चों, मेटालिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फैराडेज लॉ जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में इज नॉट फॉलोड बट इन मेटालिक कंडक्शन में इज नॉट फॉलोड बट इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में फॉलोड। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, दो तीन पॉइंट्स आप याद रखो, बेसिक पॉइंट्स। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये नोट करके आ जाना। सो बच्चों यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट का जो मेन पार्ट है जो आपको अभी बोर्ड के लिए तैयार करना है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट से फॉर्मूले मेरे साथ आप नोट करते चलिए, उन फॉर्मूले पे आप न्यूमेरिकल करते चलिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या स्टार्ट करना है आपको, मेरे साथ नोट करते जाइएगा, इसी के नोट्स आप बना लीजिएगा, इतना ही आपको पढ़ना है, इसके आगे आप कुछ भी ना देखिए बुक से, टाइम वेस्ट होगा, टाइम है भी नहीं आपके पास। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अब ये देखना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, टू फैराडेज लॉ है, पहले चेक करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि जो मास होता है इलेक्ट्रोलाइट का, मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, डब्ल्यू मास हो गया, चार्ज हो गया क्यू, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे आप तो क्या लगा दो, एक कांस्टेंट लगा दो जेड एंड क्यू। जेड यहां पे क्या है बच्चों, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, अगर Z दिया है तो बहुत अच्छा है, आप यहां रख लो, Q रख लो, W सॉल्व हो जाएगा, बट अगर Z गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, Z इज इक्वल टू E बाई 96500 क्या है, ये फैराडेज नंबर है, E यहां पर क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट है, E इज इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कह सकते हो। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट मास अगर गिवन नहीं होगा तो वेरी सिंपल है, आप मॉलिक्युलर मास रखो अपॉन उसकी वैलेंसी कर दो, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपका फॉर्मूला और क्या हो सकता है, W इज इक्वल टू Z की जगह रखोगे आप क्या, E बाय 96500 एंड Q। अब सपोज Q भी गिवन नहीं है,
ठीक है, क्यू गिवन नहीं है तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड, ये रख सकते हो ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, अब इससे कोई भी पोर्शन पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है, करंट पूछ सकते हैं आपसे, मास पूछ सकते हैं, ई करंट मास पूछ सकते हैं, जो भी पोर्शन पूछा जाए आपके पास फॉर्मूला है, इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। इस पे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, अभी हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे इस पे न्यूमेरिकल, बट उससे पहले चेक करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो बच्चों फर्स्ट फैराडेज लॉ हम लोगों ने देख लिया, सेकेंड लॉ चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है बच्चों, सेकेंड लॉ क्या है ये समझ लो आप, कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ये लॉ ये कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करो विद द सेम सीरीज। ठीक है, एक ही सीरीज में कनेक्ट करो और सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासस थ्रू देम। ठीक है, एक सीरीज से कनेक्ट होगा, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी कनेक्ट कर लो आप, बट उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम पास करना है आपको। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड विद द सेम सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू इट, तो फिर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मास रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास रेशियो ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मास टू इलेक्ट्रोलाइट्स का लोगे, सपोज दो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का एंड सिल्वर नाइट्रेट का, तो कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में अगर लेते हो तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल करना है और आगे पीछे इसमें कुछ भी नहीं देखना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फैराडेज टू लॉज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दो लॉज की डेफिनेशन करोगे, दो दो लाइन की डेफिनेशन है, दो लाइन की डेफिनेशन करके एग्जाम्पल दे करके फॉर्मूला तैयार करके इस पर आपको न्यूमेरिकल करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। राइट, सो बच्चों फैराडेज लॉ हम लोगों ने देख लिया है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ, इसके फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा इसके न्यूमेरिकल्स, तो आपको इसके फॉर्मूले जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। बच्चों देखो क्या करना है आपको, कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हो तो जैसे ही आपको वैल्यूज दिखे वो लाइन बाई लाइन नोट करते चलो, जिससे क्या होता है जैसे वैल्यूज आपके पास सामने आती हैं तो आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट होता है, याद आता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपको इसके मार्क्स भी मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पे वैल्यूज रख करके सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको गिवन नोट करना होता है, तो आप सारे वैल्यूज पहले नोट करो, देन फॉर्मूला नोट करो, देन फॉर्मूले पे वैल्यूज रखो, उसके बाद से उसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, ये क्या गिवन है, टाइम गिवन है, राइट, टाइम टी 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टाइम जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, सेकेंड्स में लेते हैं, यहाँ पे ये जरूरी है कि आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, हर जगह टाइम की ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं होती कि सेकेंड ही यूनिट लो, यहाँ पे टाइम सेकेंड में लेना होता है, करंट एम्पियर में लेना होता है, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों इसे अगर आप चेंज करते हो तो इंटू 60 कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड्स। इसको आप वैल्यू को छोटी करने के लिए क्या कर सकते हो, 6 × 10⁻² कर लो। ठीक है, ये टाइम हो गया आपका किसमें, सेकेंड में। आगे क्या गिवन है बच्चों इसमें, 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। ठीक है, 1.5 एम्पियर क्या है, करंट है, राइट, 1.5 एम्पियर, एम्पियर में चाहिए, एम्पियर में गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ सीयू डिपॉजिटेड, व्हाट इज द मास ऑफ सीयू डिपॉजिटेड, मतलब क्या पूछे आपसे, डब्ल्यू पूछ रहे हैं, राइट। अब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ हम लोगों ने देखा था बच्चों कि फॉर्मूला क्या होता था, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी
by 96500, राइट। अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू नहीं दिख रही है, यहाँ पे आई तो है, टी भी है, 96500 रख लोगे, इक्विवेलेंट मास यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, गिवन नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको मास ऑफ CU गिवन है, ठीक है। मास ऑफ CU से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास अपॉन क्या कर सकते हो, वैलेंसी, ठीक है। तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी, कॉपर का एटॉमिक मास रखना है आपको, कॉपर का इक्विवेलेंट मास रखना है, तो कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, कॉपर सल्फेट है तो 2 होगी इसकी वैलेंसी, तो इक्विवेलेंट मास की जगह आप क्या रख सकते हो, 63/2 आपको क्वेश्चन में गिवन है। नहीं भी गिवन है तो आपको जिंक तक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो अब ये सारी वैल्यूज रख दो, आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। ई की जगह आप क्या रख दो, 63/2 रख लिया, राइट। एंड आई की जगह आप क्या रखोगे, 1.5। टी की जगह रखोगे आप 6×10^2। एंड 96500 को भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, 96500 जो है उसको 10^2 कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 से 3 को भी, 6 को भी कैंसिल कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगे इसे कैलकुलेट करना, बिल्कुल इजी वैल्यू से बना करके फिर आप सॉल्व करो, इनटू 3। अब आपका नीचे बचा 965, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 0.2937 के आसपास, आप चेक कर लेना, राइट। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट लॉ पे था, फैराडेस फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लो आप। सो बच्चों एक और क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं सेम फॉर्मूले पे। पहले क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम, अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम का मतलब क्या है, अमाउंट मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं, मास पूछ रहे हैं, राइट। क्वेश्चन रीड करते समय आपको ये सारी चीजें समझनी है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, वैसे लाइन से आप नोट करते चलोगे, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन Al2O3 व्हेन अ करंट का मतलब क्या गिवन है, आई, कितना, 9.65। करंट ऑफ 9.65 एम्पियर इज पास फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्या गिवेन है बच्चों, टाइम गिवेन है, राइट। तो अच्छी बात है ये सेकेंड में गिवेन है, आपको सेकेंड में ही लेना होता है, चेंज नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मास चाहिए, तो मास के लिए अभी हमने फॉर्मूले में देखा कि इक्विवेलेंट मास की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास के लिए आप क्या करोगे बच्चों, एटॉमिक मास लेना है आपको, अपॉन क्या लेनी है, वैलेंसी लेनी है, डिपॉजिट क्या हो रहा है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व करके रख सकते हो, या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रख सकते हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। अब W इज इक्वल टू फर्स्ट फैराडेज लॉ का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा इसमें, वैल्यूज देख करके यही लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला लिखो पहले, देन इसकी वैल्यू अप्लाई करो, देन सॉल्व करो, राइट। तो E×I×T/96500, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ गई है, 9, I कितना गिवन है, 9.65, एंड T गिवन है 10/96500, ठीक है, इजी वैल्यू है बच्चों। ये देखो काट लो इसको, कैंसिल करो, ये कैंसिल करने के बाद से आपके पास क्या आया, ये देखो 9×9.65 है, इसको देखो, पहले तो मैं नोट कर दे रही हूँ, 9.65, और अभी यहाँ क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब देखो क्या है, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो आप, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9×9.65×10^-2, राइट। एंड नीचे आपका बचा कितना, 9.65, ठीक है, इंटू आप क्या कर सकते हो, 10 कर सकते हो, ठीक है। अब ये 9.65 को आप कैंसिल कर लो, ठीक। अब आपका फाइनली इसे सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा, 10 ऊपर लेकर के चले जाओ तो ये हो जाएगा 9×10^-3, राइट।
देख लो एक बार कायदे से और चेक कर लो आंसर, आप खुद भी सॉल्व करके देख लो, नोट कर लो ये। ओके बच्चों, होपफुली आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहे हैं यानी कि क्यू पूछ रहे हैं, राइट, क्वेश्चन में आपको क्यू बताना है, ठीक है। अब वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों इसका, इसमें कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 2 Al3+2 Al कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Al3+2 Al, राइट। Al3+ से Al में कन्वर्ट होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन हो रहे हैं, राइट, वो चेक करोगे आप, ठीक है। तो Al3+ को अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Al में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, n की वैल्यू क्या हो गई, 3, राइट, n की वैल्यू 3 हो गई है। तो आपका एक फॉर्मूला चार्ज निकालने का ये भी मैंने बताया था, NF, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे आप रख दो 3, और f की वैल्यू क्या होती है, 96500, वो वैल्यू रख दोगे 96500, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 2895, 0 को आप कर लोगे 10^2, किस में होगा बच्चों, ये कूलम में, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सो बच्चों सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट है बच्चों 1 मोल ऑफ MnO4-2Mn2+, ठीक है, चेंज क्या हो रहा है बच्चों सेकेंड पार्ट में, देखो ध्यान से, MnO4- से चेंज हो रहा है किसमें, ये Mn2+ में, ठीक है। तो MnO4 से Mn2+ में कन्वर्ट होने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चेंज बच्चों किसमें आ रहा है, Mn में, ठीक है, मैग्नीज में आ रहा है। तो मैग्नीज का यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर था वो चेक करोगे, फिर आप देखोगे यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं लॉस किए वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करना क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। एक्स आप इसे मान लोगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, जो चार्ज होता है वो इक्वल के इधर आता है, राइट। तो ये हो गया 8-1=7, इट मींस कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये हो रहा है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है ये, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 5, राइट। अब n की वैल्यू 5 हो गई तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5×96500, ठीक है बच्चों। अब आप इसको ये सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आता है 48325 समथिंग आता है, आप इसको चेक कर लो, 4823 समथिंग होगा, into 10^2 रख लोगे, और यूनिट क्या रखोगे, कूलम, ठीक है। सॉल्व करके चेक कर लेना, फॉर्मूला कायदे से समझ लो, यहाँ पे एक ही आयन था उसमें चेंज हो रहा था, यहाँ मॉलिक्यूल से तुम्हें आयन्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके फिर इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे कितने लॉस या गेन हो रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ Cu2+2 Cu, ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका बच्चों, Cu2+ से चेंज हो रहा है किसमें, Cu में, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, Cu2+ से Cu 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, राइट। अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, Q इज इक्वल टू NF, N की वैल्यू कितनी है, 2, तो Q इज इक्वल टू 2×96500, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, 1930 समथिंग आएगा ये, 1930×10^2 कर सकते हो, या 193×10^3 भी लिख सकते हो, कूलम, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आपको देखना था, आयन्स गिवन था, ठीक है, उसमें चेंज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर में, कुछ क्वेश्चंस इसके और चेक करो जिसमें मास गिवन होगा, मास से आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन CaCl2, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं,
अब यहाँ पे देखो बच्चों, वन मोल अभी तक जो ले रहे थे ये वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम था, ये वन मोल ऑफ MnO4 था, यहाँ पे वन मोल ऑफ Cu2+ था, ठीक है। अभी वन मोल नहीं है, अभी क्या है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 ग्राम कैल्शियम ले रहे हैं, ठीक है। और कहाँ से ले रहे हैं, ये फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, तो Cl2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कैल्शियम 2+ मिला CaCl2 से, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कैल्शियम में, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट ये गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, वन मोल ऑफ कैल्शियम में है, राइट। वन मोल ऑफ कैल्शियम का वेट कितना होता है, 40 ग्राम, ठीक है। इट मीन्स कि 40 ग्राम अगर आप कैल्शियम लेते हो तो 2F की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो आपको कितने ग्राम लेना है, आपको 20 ग्राम लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो आप, 2F/40×20, ठीक है। वैसे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना होता है, वहां पे इस पे मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है। तो ये आपका F बचेगा, इसका मतलब 96500 कूलम, ठीक है। सो बच्चों इस पे नेक्स्ट एंड इस फॉर्मूले पे लास्ट क्वेश्चन, फैराडेस फर्स्ट लॉ पे 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, ठीक है। 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, आपको एल्युमिनियम लेना है किससे, Al2O3 से, ठीक है। तो मतलब आपको क्या चाहिए, Al2O3 से आप एल्युमिनियम ले रहे हो, ठीक, और ये कन्वर्ट कर रहे हो Al में, राइट। तो वैसे तो आपका अगर ये वन मोल लेते हो तो ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, +3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ आपको 3 दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, ये है आपका 27 ग्राम का, क्यों, क्योंकि 1 मोल का ये है, ठीक है। 1 मोल अगर आप एल्युमिनियम लेते हो तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल मतलब 27 ग्राम। अगर आपको मोल से कंपेयर करना होता कि 5 मोल्स 10 मोल्स, तो 1 मोल पे इतना, 10 मोल्स पे इतना निकाल सकते थे, बट आपको कंपेयर किससे करना है, वेट से कंपेयर करना है। तो वेट से अगर कंपेयर करना है तो आपके आपको 1 मोल के वेट को ही लेना पड़ेगा, राइट। तो 1 मोल का वेट कितना होता है एल्युमिनियम का, 27 ग्राम। तो आप ये कह सकते हो कि 27 ग्राम अगर आप Al3+ ले रहे हो तो यहाँ पे 3F है, F का मतलब फैराडेज नंबर 96500, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कितने ग्राम कह रहे हैं, ये 40 ग्राम कह रहे हैं, ठीक है। अब आपको 27 ग्राम नहीं लेना है, आपको कितने ग्राम लेना है, 40 ग्राम लेना है। तो 40 ग्राम अगर Al3+ लेते हो तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी, 3F/27×40, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वैसे ये दिख रहा है 9 टाइम्स आएगा, तो आपका ये 40F को आप खोल सकते हो यहाँ पे, 96500 तो बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप पावर्स में चेंज कर सकते हो, अपॉन क्या बचा आपका, नीचे 9 बचा, ठीक है। ये पूरा आप सॉल्व करते हो, इसको इजी नंबर बना सकते हो, 10 हो गया, 20 हो गया, इसको 0 को आप 10^3 कर सकते हो, 4 को इसे मल्टीप्लाई करके, और आप चेक कर लो कि अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा पूरा सॉल्व करो, पावर्स में आप शिफ्ट कर लोगे तो नंबर्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखो थोड़ा सा इसको और इजी कर लो, 4×9×65×10^3 कर लो, ठीक है, /9 कर लो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हो बच्चों तो आता है आपका आंसर 428.8×10^3, और आप इसे क्या लिख सकते हो, 4.28×10^5 भी कर सकते हो, राइट, ठीक है, चेक कर लो। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सेकेंड लॉ पे, फर्स्ट लॉ के ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आप चेक कर लो, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ, ओके। सो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, व्हाट वेट ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NiSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूशन बच्चों गिवन है NiSO4 का, ठीक है, एंड देन
दैट इट टेक्स प्लेस टू डिपॉजिट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर, राइट। 2 ग्राम ऑफ सिल्वर का मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है आपका, और सिल्वर इन अ सिल्वर दैट अरेंज इन द सीरीज विथ NiSO4, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका सिल्वर का सोल्यूशन लिए हुए हैं, सिल्वर के सोल्यूशन का वो दिया नहीं है, तो आप इसको सिल्वर ही ले लो, कि AgNO3 लिया हुआ है, AgCl लिया हुआ है, सोल्यूशन का नेम गिवन नहीं है, तो आप इसको सिल्वर मान लो, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं आपको सेकेंड लॉ एक बार रिवाइज करवा दूं कि जब 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड विद द सेम सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू इट, तो फिर क्या होता था कि मास रेशियो ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास रेशियो, ये होता था, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो क्या गिवन है, 2 इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, इसे अगर मैं 1 मान लूं, ठीक है, इसे मैं 2 मान लूं, तो मास ऑफ 1 हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 हो जाएगा, ये मास ऑफ 2 आप मान लो, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ 2 मान लो। अब चेक करो कि किसकी वैल्यू गिवन है, राइट, और कौन सी वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वेट ऑफ Ni इज प्लेटेड, व्हाट वेट ऑफ Ni का मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, W1 पूछ रहे हैं, राइट। इक्विवेलेंट मास ऑफ Ni के लिए आपके पास एटॉमिक मास निकल का गिवन है, नहीं भी गिवन है तो आपको याद रखना है, मैंने बताया है 58.7 अपॉन क्या हो जाएगा, Ni की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, ये इक्विवेलेंट मास हो गया इसका। आगे क्या गिवन है, सॉल्यूशन इज प्लेटेड टू द डिपॉजिट टू 2 ग्राम ऑफ Ag, वेट ऑफ Ag गिवन है 2 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag आप रख सकते हो कितना, 107.8 होता है, इसको आप राउंड ऑफ करके 108 रख लो, अपॉन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो 108 जो इसका एटॉमिक मास है वही इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ मास W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, राइट। अब W1 आपसे पूछ रहे हैं, W1 X मान लो या W1 ही रखो, W2 की वैल्यू गिवन है आपके पास, E1 क्या है आपका 58.7/2 कर लिया, एंड E2 क्या है आपका 108 हो गया, तो W1 आप यहां से सॉल्व कर लोगे, 2 × 58.7 डिवाइडेड बाय 2 × 108, राइट, 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये आपको क्या सॉल्व करना था, W1, ठीक है। तो बच्चों W1 की वैल्यू आपकी आ रही है 0.544 ग्राम, ठीक है, चेक कर लो फॉर्मूला, क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। सो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इस पे, आपका सेकेंड लॉ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में इतना लेंदी पूछेंगे नहीं, यहाँ पे इन्होंने 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट किया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर ये पूछा जाएगा तो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही पूछा जाएगा, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा अगर 3 इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्ट करके आप चेक करते हो, तो 2 or more electrolytes कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पहले चेक करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं और उनकी किसकी वैल्यू गिवन है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। सो क्वेश्चन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ABC, इनका नेम इन्होंने दे दिया है ABC, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स है, कंटेनिंग सोल्यूशन ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4। ए को लिया है ZnSO4, बी लिया है AgNO3 एंड सी लिया है CuSO4, राइट। अब देखो बच्चों ध्यान से कि क्या पूछ रहे हैं इसमें, कनेक्टेड इन द सीरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वॉज पास्ड, क्योंकि करंट जो है वो तो सेम पास होगा, तो तीनों इलेक्ट्रोलाइट में सेम करंट होगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आई की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.5, ठीक है, ओके, 1.5 एम्पियर वॉज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, किसका मास गिवन है, सिल्वर का, सिल्वर को हमने क्या माना है, बी, तो हम इसे मान लेते हैं कि वेट ऑफ बी गिवन है कितना, 1.45 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट वेट तो इसका रख ही सकते हो, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी मान लो, ठीक है, 1, 2 मान सकते थे, या आप
सिंपली एजी भी रख सकते थे, ठीक है, जैसा आपको इजी लगे। तो इक्विवेलेंट मास इसका क्या रख सकते हो, 108 रख लो, 107.8 होता है तो 108 राउंड ऑफ करके आप इसको रख सकते हो, अपॉन 1 करते हो, वैलेंसी 1 होती है, तो जो मास है इक्विवेलेंट मास वही इसका, जो एटॉमिक मास है वही इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट आपको इक्विवेलेंट मास तो आप सभी का रख सकते हो, देखो इसका भी इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, ठीक है, जिंक का रखोगे आप तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, राइट, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर रख सकते हो, वैसे मैं लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर रख सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर को हमने ईसी मान लिया, एंड देन इसका एटॉमिक मास कितना गिवन होता है 63, एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, राइट। तो ये वैल्यूज जो है इनकी जरूरत नहीं थी गिवन हो, वैसे एटॉमिक मास दिया होगा आपको बोर्ड में, नहीं भी तो ये आपको याद रखना है जिंक तक कि मैंने आपको बताया। सो अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या गिवन है। ओके, डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या आपसे पूछ रहे हैं, टाइम, ठीक है, पहली चीज आपसे टाइम पूछी जा रही है, ठीक है, तो टाइम पूछी जा रही है तो आप टाइम के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ के लिए आपको क्या चाहिए था, मास चाहिए था, इक्विवेलेंट मास चाहिए था, करंट चाहिए था, ठीक है, तो आपका ये सॉल्व हो जाता टाइम। बट यहाँ पे देखो क्या मिसिंग है, करंट है, इक्विवेलेंट मास गिवन है, बट मास गिवन नहीं है, मास आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए सेकेंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आगे आपसे पूछ भी रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, ठीक है, तो व्हाट मास ऑफ कॉपर मतलब कि डब्ल्यू ए पूछ रहे हैं आपसे, डब्ल्यू ए निकालना भी पड़ेगा आपको अगर टाइम निकालना है तो, ठीक है, और मास पूछ रहे हैं आपका डब्ल्यू सी, ठीक है, ये पूछी जा रही है बात, तो आपसे 3 पार्ट्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो टाइम हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते इसमें, क्यों, क्योंकि मास इसका गिवन नहीं है, ठीक है, तो पहले हम अप्लाई करते हैं सेकेंड लॉ, ठीक है, तो सेकेंड लॉ अप्लाई करके, सेकेंड लॉ पहले आप अप्लाई करोगे जिससे आपको मास ऑफ जिंक पता चले, ठीक है। सो मास ऑफ फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, मास रेशियो लोगे ए एंड बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, ठीक है, मास ऑफ ए आपको फाइंड करना है, एक्स मान सकते हो इसे आप या ऐसे रख लो, मास ऑफ बी आपका क्या गिवन है 1.45, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए कितना 65 by 2, एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ बी कितना 108, ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर लोगे, W इज इक्वल टू 1.45 × 65, ठीक है, अपॉन 2 × 108, ठीक है बच्चों, तो इसे आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है ये 0.439 के आसपास, ठीक है, 439, 435 ऐसे ही आएगा, आप चेक कर लेना, यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम, मास है तो ये ग्राम, ठीक है बच्चों। तो आपको टाइम पहले पूछ रहे हैं, सबसे पहले टाइम पूछ रहे हैं, बट आप टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो जब तक आपको मास ना पता चले, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फिर अब आपका मास आ चुका है, ठीक, अब आप अप्लाई करो फर्स्ट लॉ, अब यहाँ से आप सेकेंड पोर्शन मास ऑफ ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो पहले ये कैलकुलेट कर लो या टाइम कैलकुलेट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ टाइम कैलकुलेट करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे मास ऑफ कॉपर मिल चुका है, जिंक मिल चुका, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी बाई 9650, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे W आपके पास मिल गया है ये, ठीक है, आपको निकालना है टाइम, तो आपको पहले फॉर्मूले को अरेंज कर लो, W कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ पे A ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसी का, इससे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ से भी टाइम निकाल सकते थे, ठीक, तो ये आपका हो गया W A और 96500 अपॉन I इंटू टी, तो सॉरी टी तो आपको सॉल्व करना है, I इंटू E, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा W कितना आया 0.439 ×
9650 अपॉन i कितना है 1.5, ठीक है। एंड इक्विवेलेंट मास आपका कितना था 65 बाई 2, तो बाई 2 को कर दिया हमने ऊपर, ठीक है। तो बच्चों ये सॉल्व होकर के आता है आपका 863 point something आएगा। आप एक बार चेक कर लेना 863.1 के आसपास आएगा। और टाइम किस में लेना होता है बच्चों, सेकेंड में लेना होता है, ठीक है। तो टाइम आपका आ गया, दो पार्ट इसके कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब आपको थर्ड पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कॉपर। तो मास ऑफ कॉपर के लिए अगेन आप सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड लॉ में आप किसी से भी कंपेयर कर लो, इसको आप इसके मास से कंपेयर कर लो या इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है, किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ आपका, इसे कंपेयर कर लो, इजी होगा। मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सी, राइट। तो मास ऑफ बी कितना गिवन है 1.45, मास ऑफ सी आपको बताना है इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी कितना होगा 108 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सी आपका हो जाएगा 63 बाई 2, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.45 इंटू 63 अपॉन 108 इंटू 2, तो वी सी आएगा बच्चों आपका कितना 0.423 के आसपास आएगा, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको ये सेकेंड लॉ भी समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन था इसमें फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हुआ, सेकेंड लॉ भी अप्लाई हुआ, ठीक है। सीक्वेंस से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन, फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ये पोर्शन अच्छे से तैयार करिए और इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, ओके बच्चों।